अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम चे चोर बजे तो कशिर खबरनामा हेत चुस बा साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली मंज आज हलफ बरदारी हिंज तकरीबी हुंद सांस करना आमुत यमिश सदारत अबूरी स्पीकर मुबारक गुल कर आत मौकस पेट येते कामयाब सपदमितो मेंबरान असेंबली और राजदारी हुंद हलफ तुल तच मुबारक गुल स्पीकर सुंद ओहद संभालनस दौरान वोनमुत जे तिम चे अल्लाह ताला सुंद शुक्र अदा करान लूकन हिंद शुक्र गुजार यमो तिमन असेंबली मंज वातन मौक फराहम कोर ये तमो वोन जे असेंबली हुंद कामकार अहसन तरीकस मंज पकनावन रोज तहजन अवलीन तरजियात मंज शामिल युत जन लूकन हिंद मसल उजागर करित अंजरावनस हवाल कदम तुलने यन। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे ये आज ये दिन देखना पड़ा जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, मुझे हर बार कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का जिन्होंने हमेशा मेरे ऊपर विश्वास रखा, और ये बड़ी एक फख्र की बात है आज जो मेरा पॉलिटिकल सफर एक मुश्किल कारपेट के शवल में शुरू हुआ और आज इस मुकाम में भी पहुंचा। ये सिर्फ इसलिए कि हमेशा मेरे दिल में ये रहा कि मुझे लोगों की खदमत करनी है, और मैं चाहूंगा जो हमारे यंग एमएलए आए हैं ये अपने दिल में ये रखे ख्याल हमें भी टू टाइम स्पीकर बनना है, क्योंकि जब सपोर्ट्स में कोई फेल हो जाती है तो वहां पे मेडल दिया जाता है, इसलिए लाइफ का नाम ही जो ज्यादा है इसे ज्यादा आज बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं कहूंगा जो विश्वास सरकार ने मेरे ऊपर किया मुझे टू टाइम स्पीकर बनाया, इसके लिए मैं बड़ा मशहूर हूं, शुक्रगुजार हूं, उसे शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ मुझे ये खुशी है कि आज रियासत के लोगों ने अपने वोट से जो वोट हमारे मुकद्दर की पर्ची है उससे हमें बनाया और हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ रही थी। मैं तमाम पहले सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इनके काबीना के गुजरा को मुबारकबाद देता हूं, और फिर सारे जो सीनियर साथी हैं हमारे नए मेंबर हैं आपको मुबारकबाद दे दूंगा, इस हाउस के मेंबर बन गए, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये सफर भी चलेगा आराम से, क्योंकि बहुत देर से कहता है कि अलाइटी चाहिए और मेरे लिए नामुमकिन था एक दिन में ये काम करना है। मेरा 19 को वोट लिया गया, वोट के बाद मैं मशहूर हूं असेंबली सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी साहब का और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, एक कम छुट्टी भी थी संडे को, एक दिन में इतना हैवी अरेंजमेंट करना, इन्हें रात दिन काम किया, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनका नाम मैं बोलूंगा बैंक में, उन्होंने मुझे तावन दिया है, पर एक दिन में इतना काम इतनी जल्दी से करना नामुमकिन था। जब मैं एक बार फिर आप सब ऑनरेबल मेंबर्स का इस हाउस में और आगे मिलेगा मौका। यपर्च उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र सिंह चौधरी, सकीना यतू, जावेद राना तो दमियो मेंबरान असेंबली तरफ आज भारती किस आइनस तहत हलफ तुलमुत या दौरान तिमो अहद कुर तिम रोजन आइनच पासदारी करनस मज ब्रो पे युत जन जम्मू कशीर हिंज तरक्की सत सत मुल्क तमीर तरक्की यकीनी बनावनी यी। जिस कानून साज असेंबली बिल्डिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंबर मुंतखब करने आज खुदा बंद ताला सिंह नाव पे हल्फ तुलान बुधा बाद आइनस पे जिस कानून के कायम सदियाम पोज एहतिकार बेरोज है यम आइन वफादार बेथाव भारत की सरदारी सैन्य बरकरार بدیم تم فرائض ایمانداری سان انجام یہ میں سپورٹ سب لگ رہا ہوں۔ سریندر کمار چوہدری
having been elected a member of the respective assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir. Do swear in the name of God that I will adhere to faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to. Of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge I am about to the Commons of Assembly. Deputy of the Kashmir, Rukun Muhammad Khan, Khadam Mustala, Allah Azzawajal ke naam se, aaj bata tha ki main aaye nahin, par jo kanoon ki rooh se ikrar paya hai, sacha hai ka dakhun, aur iska wafadar rahun, to ye ki Hind ki sardari aur salmiyat ko barqarar rakhun, nis jo farz mujhe सौंपा जाने वाला है उसे ईमानदारी से सर अंजाम दूं। जावेद अहमदार, आर्मी बीन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बी एट ट्रू फेथ इन एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन व्हिच ताला के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं आईने हैं पर जो कानून के उसे करार पाया है सच्चा एहतिकार रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा और ये भी है कि सरदारी और सालिमियत को बरकरार रखूँगा। नीज जो फर्ज मुझे सौंपा जाने वाला है उसे ईमानदारी से सर अंजाम दूँगा। Having been elected as a member of the Legislative Assembly of the Assembly of Jammu and Kashmir, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty of India upon which I am. दुरुस्त मुल्क सहान आवाज जम्मू कश्मीर में पुलसुक यादगारी दोह मनावनी या दौरान सारी खुद बड़ तकरीब जवन श्रीनगर में मुनद सपज ये एल जी मनोज सिन्हा वजीर आला उमर अब्दुल्ला तो पुलसो जमदारों अलावा अहलकारन हिंद बड़ तदाद में शिरकत कर आत मौक पे ये शहीद अहलकारन जबरदस्त अल्फाजन में खराज पेश कर आव तो एल जी मनोज सिन्हान जम्मू कश्मीर पुलसिक तारीफ करान वोनमुत वादी में अमन कायम कर हवाले जम्मू कश्मीर पुलस तरफ अहम रोल अदा कर तमो वो अमन खराब कर वाले लूकन ये कुन तूरत मज बख्श बल्कि ये तिम खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त कर। आज मैं कह सकता हूँ कि षडयंत्रकारी शक्तियों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे लाखों नौजवानों ने उस सही रास्ते को चुना है जो जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से जुड़ा है। आज स्मृति दिवस के अवसर पर मैं आवाम से भी कहना चाहूंगा कि तरक्की की रफ्तार में चुपचाप 24/7 काम करने वाले पुलिस के जवानों के महत्वपूर्ण योगदान को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। उनका धैर्य, उनका मनोबल शांति और समृद्धि के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाजों का समर्थन आपके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हकीकत है कि कोई भी क्षेत्र खुशहाली, समृद्धि और विकास की ओर तभी बढ़ सकता है जब उसके नागरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हों और पूरी तरह से भयमुक्त हों, और इसलिए मैं मानता हूं कि भयमुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि हर नागरिक के हितों की रक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस का ही नहीं सबका दायित्व होना चाहिए। आमतौर पर जब कोई घटना होती है तब लोगों की आलोचना भी पुलिस को सहनी पड़ती है। लोग कहते हैं साहब यह तो पुलिस का सल्यूट, लेकिन साल के बाकी दिनों में जिस तरह से काम करते हैं उनकी प्रशंसा में कहीं न कहीं कमी रह जाती है।
और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा, पुलिस फोर्स के त्याग का भी सम्मान हमें करना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाने में भी हमें तत्पर रहना चाहिए, चाहे बर्फबारी हो चाहे बारिश हो, हर समय हर वक्त कर्तव्य भाव से जनता की सुविधा के लिए कोई खड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। इसलिए उनके अंदर के साहस सेवा भावना हमें हमेशा नमन करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं पुलिस के साथियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वक्तव्य का स्मरण दिलाना चाहूंगी। बापू ने कहा था, जहां तक पुलिस के कार्य का संबंध है, वे न तो मुसलमान है न हिंदू और न सिख, वे केवल भारतीय हैं, जो धर्म की ओर ध्यान दिए बिना दुखियों को पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं। अपना कर्तव्य पालन करने से वे कम मुसलमान, कम हिंदू या कम सिख नहीं हो जाएंगे, बल्कि बेहतर मुसलमान, बेहतर हिंदू और बेहतर सिख होंगे। बापू के ये सब उस तथ्य की ओर इंगित करते हैं, पुलिस का जवान एक निष्काम कर्मयोगी है, और मैं मानता हूँ वही भावना जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के रग रग में बसी हुई है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बढ़े इसके लिए सबके योगदान की आवश्यकता है, और जो विरासत यहाँ की है उसे संरक्षित और आगे बढ़ाने के सबको कृतसंकल्पित होना होगा, जिसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवानों ने अनेक बलिदान। गांधरबल के गगनगिर इलाकस में ये रात शाम पे बंदूक बरदारन हिंदिस हमलस में जिले बड़गमि से तलुक थावन वोल डॉक्टर जहाँ बहक सपूद तत् आज तिंदिस नमाज जनाज में लूकन हिंद बड़ तदाद शिरकत करम यम पत तम सुपुर्द लहद कर आई ये जन रात शाम पे डॉक्टर शाहनवाज सिंह जहाँ बहक सपदन खबर फैलन सी इलाकस मं रोजन वो लूक दम फिट सपदम तो डॉक्टर शाहनवाज सिंदो रिश्तेदारों तरफ वन आम हफ्ते ब्रो तिज तब्दीली कंगन कर आम पत आज तिज लाश आबई इलाकस वातन आई तो तहदिस नमाज जनाज मे लूकन हिंद एक बड़ तदाद आज शिरकत करम पत तम सुपुर्द लहद कर आई फिनरल वाला कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं, अब इन बच्चों ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए, SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब जाया नहीं होना चाहिए, बस यही मेरी इल्तिजा है, ये हम्बल रिक्वेस्ट। हम इतना कहेंगे 7:30 बजे तक बिल्कुल सेफ थे, सही सलामत थे, 5 बजे घर में उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन 7:45 बजे जो ही ये खबर यहाँ आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर साहब की शहीद हो गए हैं, तो यहाँ पर पूरा इलाका उस वक्त गम की लहर में डूब गया और हर एक आंख नम हो गई। डॉक्टर साहब अपने 2 बेटे 2 भाइयों मासूम भाइयों, एक MSc कर रहा है, एक भी उन्होंने भी PG किया है, और 2 बच्चों 2 बेटों को, जबकि उसकी एक बेटी भी थी, उसकी शादी आज से 4 दिन पहले हुई है। डॉक्टर साहब की 4 बहनें, उनके फादर भी पहले पुलिस ऑफिसर थे, उनकी डेथ हुई है, उनकी नेचुरल डेथ हुई है, पूरी जिम्मेदारियां डॉक्टर साहब ही निभा रहे थे, उसकी माँ भी नहीं थी, पूरा मतलब माँ बाप दोनों पूरा घर यही चला रहे, पूरा परिवार यही चलाते, लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ ये एक बुजदिलाना एक दहशतगर्दाना हमला कहा जाएगा, यहाँ पे पूरा मतलब हर एक घर हर एक गाँव हर एक बच्चा इस वक्त नाम है, क्योंकि डॉक्टर साहब गगनगिर सोनमर्गि मज रात शाम पे पेश आम वाकस हवाले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन कत करान वोनमुत पाकिस्तान तरफ प्रेथ वि जम्मू कशीर मज अमन अमान खराब करन कोशिश कर आमज तो पाकिस्तान से कद बात करन चुन कहां सवाल ही पद सपदन। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है,
कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे, 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए, और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। देखिए वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। देखिए मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करेंगे, वो तो मरकज़ खुद जानता है, यह मरकज़ का मामला है, लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है, हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अक्ल कैसी है, क्या हो गया उनको, बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो और बेगुनाह। सीपीआईएम पार्टी हिंद रियासती सदर मोहम्मद यूसुफ ताहिर गेम मामल सवाल अफसूस इजहार करान वोनमुत यथ वाक पेश आम जिंदगी सठा मुतासर सपदन तो यथ वाक जम्मू कशीर बापत सही। बड़ा हादसा है और अफसोसनाक, दर्दनाक और मेरी नज़र में शर्मनाक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कौन मरा? हमारे शहरी मरे, हमारे भाई मरे, इंसान मरे, लोकल है, नॉन लोकल है, डॉक्टर है, मजदूर है। बहरहाल मैं और कुछ नहीं कहूँगा सिवाय ये कि काफ़ी दर्द पैदा हुई है उन तमाम, मेरे ख्याल में हमारे कम्युनिटी में भी, पूरे कश्मीर में गम गुस्सा है। और साथ ही साथ हमारा मशवरा है सरकार से कि वो अभी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तो लाजमी तौर पर हमारी तवक्कुआत है इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बेहतरी लाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, ताकि ऐसी वारदातें ना हों। और अभी जो भी लोग मुलविस हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरी अपील है तमाम मकतब फ़िक्र से और तमाम सिविल सोसाइटी से, या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, दानिश्वर हैं, सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अपील है मेरी, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। हमें अमन चाहिए, हमारे आवाम के लिए सलामती चाहिए, ऐसी वारदातें ना हों, इसी में हमारी हम सब की भलाई।
वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तो बीजेपी सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शाइंद्रा भी गगनगीर मामल हवाले अफसूस इजहार करान वोनमुत शरपसंद अंसर तरफ से जम्मू कशीर हुंद अमन अमान खराब करने की कोशिश करने इवान ताहम ये नहीं इमन ताकतन अमुक इजाजत दिन। देखिए ये बहुत ही कवर्डनेस है, इससे आलमी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा दबा लगा। दुश्मन पार बैठे हुए हैं और वो ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अमन है, खुशहाली है। उन्होंने जिस तरह से ये खून नाहक कल किया, ये किसी भी मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है और इससे हमारे हौसले कम तो नहीं होंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े तरीके से इनको ख़त्म कर देगा, इस दुश्मन कौम को, लेकिन इससे दिल बड़े मजरूह हुए, ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। क्या वजह है जो इस तरह के वाकयात पेश आए? देखिए आपको मालूम है कि जो दुश्मन बॉर्डर पार बैठे हुए हैं उनको कभी खुशी नहीं हुई कि कश्मीर और कश्मीर के लोग खुशी से अब पथराव से बाज आ गए हैं, यहाँ पे खून खराबा नहीं हो रहा है। वो ये उनसे ये देखा नहीं जाता है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। बार बार पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे बोल रही थी कि बातचीत होनी चाहिए आपस में, लेकिन आज जाकर फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान। देखिए हम तो पहले ही कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा यही कहा है कि ऐसे दुश्मन से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसानियत के कातिल होते हैं उनसे कौन सी बात। मेंबर असेंबली किश्तवाड़ सुनील शर्मा जो अत मामले सवाल कात करान वोनमुत पाकिस्तान तमाम मनसूब वार वार नाकाम सपदन तो हालात वुचित डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन पाकिस्तान सत बात कर वकालत बंद करम। देखिए सबसे पहले तो मैं इस घटना पर बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ और तमाम ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं पाक प्रायोजित जो ये आतंकवाद इस वक्त चल रहा है, जो अंतिम सांसों पे है, मुझे लगता है कि बौखलाहट में है। जिस प्रकार से यहाँ पे अभी अभी असेंबली का चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने पहली बार पाकिस्तान के उस मंसूबे को रिजेक्ट किया और लोगों ने भारत के लोकतंत्र पर आस्था, विश्वास और निष्ठा रखकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया, मुझे लगता है कि ये बौखलाहट है। लेकिन इन तमाम जवानों का खून जो कल गगनगीर के उस लेबर कैंप में बहा है, ये ज़ाया नहीं होगा। ये कहीं न कहीं अंतिम चोट अब इस आतंकवाद को लगा के दफन होगा ये आतंकवाद, और आने वाले दिनों में जिस शांतिमय कश्मीर की हमने कल मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में सीरत मुकाबल सांस करना आमुत यथ मलबन बड़ तदाद हिस्सा नियु तत आज तलबन हौसला अफजाई करनस दौरान मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत गशान वोनमुत समाज में बिदत रस्म तो बुराई खत्म करने बापत जरूरी जी मकतब तो दीनी मरकजियन मजीद मजबूत करने युद्ध जन इस्लाही माशरा करनस मज आसानी सपद। स्कूल गसान फॉर्मल एजुकेशन की पढ़ा
वादी कशीर मज ये वंदकालन दस्तक दिम सुबह शाम वादी में सर्दी वुश्त तु सयाती मुकाम द्रंग टंगमर्ग मौजूद सयाह तरफ खुशी इजहार करान वन आमुत वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सत मालामाल तो वादी ये तम सठाई लुत्फानंदो सपदन यमो सयाह तरफ मुल्क तो मुल्क नबर रोजन वाल लूकन वोनमुत तम ग जिंदगी मज अ फिर वादी कशीर ये कुदरती खूबसूरती सत लुत्फानंदो सपदन। थैंक यू सो मच। हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं, बैंगलोर, रांची, पुणे और राउरकेला। जी जी। और हम लोग का ये गर्ल्स ट्रिप है और फैमिली गर्ल्स ट्रिप है। दो बहनें हैं और हम दो बहनें जो उनकी बेटियां हैं। जी जी। तो क्या क्या प्लान आपने किया है कश्मीर के इस दौरे का? तो हम कश्मीर आए और हमने शुरू किया श्रीनगर से, वहाँ पे हम हाउस बोट पर रहे। बहुत ही ज्यादा अच्छा नज़ारा था, बहुत ही सुकून का माहौल था। और उसके बाद फिर हम गए गुलमर्ग, जहाँ पे हम रहे और जहाँ हमने गंडोला राइड किया। और अभी ये वाटरफॉल देखे तो मजा ही आ गया। आगे हम पहलगाम जाने वाले हैं। बाकी आप इनसे भी पूछिए। क्या आपका ये सुझाव जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के वातावरण के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में क्या सुझाव रहेगा बाकी जो पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं? बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं और सर्विस ओरिएंटेड हैं और बहुत हंसी मजाक करते हुए माहौल को लाइट बना के कि वो उनको समझ में आता है कि भाई लोग घूमने आए हैं तो यू नो अच्छा लाइट सा माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। हमने देखा वुमेन फोक जब बाहर जाता है तो उनको डर सा महसूस होता है शाम को चलने में, लेकिन जब बाहर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, पर्यटक बन के ज्यादातर वुमेन आते हैं तो बेझिझक वो घूमते हैं कश्मीर में। तो क्या आपको भी ऐसा लगा कि कश्मीर में अच्छा माहौल है? 9 बजे में हम अकेले आ रहे थे, हमें कहीं से भी 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई डर है। तो आपको यहाँ पर कैसा लगा गुलमर्ग में? गुलमर्ग में भी बहुत अच्छा लगा। गुलमर्ग में ही मैं रात में अकेले आ रही थी, हम लोग सब 4 ही लेडीज ही आ रहे थे जी जी। लेकिन जरा भी डर नहीं लगा। जो आप मन बना रहे हैं कश्मीर आने का, क्या कहेंगे उन्हें? मैं बोलूंगी कि बार बार जाओ। अच्छा, कश्मीर जाओ। तो आपका आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई आपका ट्रिप गुलमर्ग पहुँच के गुलजार हो गया है? बिल्कुल गुलजार हो गया है, गुलजार हो गया है। और हम आशा कर रहे हैं कि आगे भी बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जिनसे भी हमारी इंटरेक्शन हुई है। जी जी। मतलब वो मैं नाम भी ले सकती हूँ, इतना हमें मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है जी। तो बहुत ही अच्छा रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा प्लान ऑलरेडी बन चुका है कि हम फरवरी मार्च में फिर आएंगे स्नो देखने के लिए। मतलब आप जाके आप एक एम्बेसडर का काम करोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय में आप कहाँ से हो, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप? हम उड़ीसा के राउरकेला शहर से हैं। जी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो सुनते आए थे कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है, तो वो सच में महसूस हो रहा है कि पूरा स्वर्ग जन्नत है। तो यहाँ के बारे में, वाटरफॉल के बारे में क्या सुझाव रहेंगे, गुलमर्ग के बारे में क्या सुझाव रहेंगे? गुलमर्ग जन्नत है और हम फिर फरवरी या मार्च में फिर स्नो देखने फिर से आएंगे अपने बच्चों के और पूरी फैमिली के साथ। तो चलिए कहते हैं अगर फिर दोस्त बरुए जमीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस। वाकई यहाँ पर जो पर्यटक हमें मिले हैं तो उनका यही कहना है और जिनके भी यही सुझाव है कि बाकी लोगों को जम्मू कश्मीर आना चाहिए और यहाँ के नज़ारों के साथ साथ यहाँ के जो दिलकश मनाजिर हैं इनका लुत्फ उठाना चाहिए। इश्फाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। तो नाजरीन इत खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।